If the error in the measurement of radius of a sphere is 2%, then the error in the determination of volume of the sphere will be. तो देखिए ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है जो रेडियस पे डिपेंड करता है. अगर हम इसका लॉग ले लें, यही तरीका होता है एरर निकालने का. लॉग लेने में सारे जो टर्म्स हैं वो एड अप हो जाएंगे. आप चाहें तो 4π/3 को एक साथ भी ले लें, लॉग आर क्यूब. अब लॉग आर क्यूब भी जो होगा वो 3 log r हो जाएगा. ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है ऐसा. अब तो आप लोग बड़े बच्चे हैं, ये सब जानते हैं. अब पूरे का डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो ये dv/v होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 3 times dr/r होगा. ये दोनों 0 क्यों हो गए? क्योंकि वो कांस्टेंट है. 4/3 एक फ्रैक्शन है, कांस्टेंट वैल्यू है. पाई भी एक नंबर है, इरेशनल नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है, लेकिन जो चेंज परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम है वो परसेंटेज चेंज इन रेडियस पे इस तरह डिपेंड करेगा. अभी परसेंटेज चेंज भी कर लेंगे. इनटू 100 किया जाता है यहाँ पे, dv/v इनटू 100 कर दें तो ये हो जाएगा d3 times dr/r इनटू 100. ठीक है, तो अगर इस तरह से परसेंटेज का लिख लेते हैं, लेकिन हमें कोई बहुत ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि परसेंटेज चेंज इन रेडियस ऑलरेडी हमें 2% दिया गया, यानी कि ये हमें 2% दिया गया. ठीक है ना, और बहुत लोग फ्रैक्शन में ही कर लेते हैं. अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो वैसे कर लीजिए. ठीक है ना, अगर वैल्यू में दिया है तो इंटू 100 करना जरूरी है. अब यहाँ ऑलरेडी परसेंटेज में दिया है तो, या मतलब फ्रैक्शन में दिया है तो इनटू 100 करना जरूरी है. अब यहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज में दिया गया है तो यही रिलेशन से हम लोग काम चला सकते हैं. रिलेशनशिप है dv/v इज इक्वल टू 3 times dr/r. तो 3 into 2% हो जाएगा अपना आंसर. dv/v परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा 6%. अब देखिए ये सब तो मैंने थ्योरेटिकली करके आपको दिखा दिया और आपको लग रहा होगा कि यार ये इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. सही बात है, ये इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है. तो अगर भाई ये अगर आर में 2% का चेंज आ रहा है तो वॉल्यूम में 3 into 2% का चेंज आ जाएगा, यानी 6%. बस एग्जाम में आपको इतना ही लिखना है.